हे नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या दोस्तों आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे? तो भाई आपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ है या फिर डिसेबल हुआ है, तो भाई आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका अकाउंट कंप्लीटली डिलीट हो चुका है तो इनकेस आप अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम का रूल्स ये कहता है कि एक बार अगर अकाउंट डिलीट हो जाता है परमानेंटली, तो उसके बाद आप उसको रिटर्न नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप सस्पेंड हुआ है, डिसेबल या फिर डीएक्टिवेट हुआ है, तो आप बिल्कुल रिटर्न ले सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस, आपको पूरा गाइड करूंगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहे हो। यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो से आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। आखिर तक देखना, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपको वक्त के साथ अपडेट रखने की कोशिश करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, आपको भी यहां पर कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि वी सस्पेंडेड योर अकाउंट, यानी कि हमने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। आपके पास 30 दिन है। अगर आप काउंटर जो है रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो अगर वो आप अपील विन करते हैं तभी आपका अकाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। बट 30 दिन के बाद आपका अकाउंट कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, यानी कि इंस्टाग्राम सर्विस से डिलीट हो जाएगा। बाद में आप उसको रिटर्न नहीं ले सकते। अब भाई आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, तो इसका मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूं। सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा स्पैम करते हैं, फॉलो अनफॉलो या फिर कई वेबसाइट से फॉलोवर लेके आ रहे हैं, फेक फॉलोवर, या फिर किसी के कमेंट में जाके गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर गाली गलौज वाले डबल मीनिंग पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, कोई घातक हथियार, खून खराबा, मारामारी, इस टाइप की आपका कंटेंट है, स्टोरी या फिर पोस्ट या फिर रील्स डालते हो, तो डेफिनेटली आपके साथ ये प्रॉब्लम आना ही आना था। आपका अकाउंट सस्पेंड, डीएक्टिवेट या फिर डिसेबल होना तय होता है इन केस अगर आप करते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो है यहां पर डिसएग्री विद डिसीजन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं आपको तीन तरीके बता रहा हूं, आपको जो है वन बाय वन सबको फॉलो कर लेना है, आपका कहीं पर जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डिसएग्री पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यहां पर आएगा, तो आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक कर दो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो, आपके सामने थर्ड पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ईमेल या फिर आपके फोन नंबर के लिए बोला जाएगा, जो आप इंस्टाग्राम के साथ अटैच करके रखे थे। भाई इस अटैच करके रखना बेहद जरूरी, अगर नहीं कर रखा तो ये आपका काम नहीं आएगा। ओके, अगर ईमेल कर रखा होगा तो आपका ईमेल का ऑप्शन आएगा, वो ईमेल को एंटर कर दीजिए, देन सेंड कोड पर क्लिक कर दीजिए। अगर मोबाइल नंबर का आता है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके ऊपर आपको कोड मिलेगा, सेंड कोड पर क्लिक करो, कंफर्मेशन कोड एंटर करो, देन भाई इजीली आप अपने अकाउंट पर डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे, या डायरेक्ट आपके अकाउंट पर पहुंचा देगा। आपका जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये ट्रिक वर्क नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, नंबर टू पे हम चलते हैं कि आपको जो है इंस्टाग्राम को अब जो है एक मेल करना होगा, ठीक है। मेल इंस्टाग्राम को किस टाइप से करना है, तो आपका मेल बॉक्स को ओपन करना है, वो आपका आईडी रहेगा, वो आईडी वही रहना चाहिए जो इंस्टाग्राम के साथ अटैच है, ठीक है। नीचे इंस्टाग्राम का आपको जो है सपोर्ट आईडी डाल देना है, तो इंस्टाग्राम का क्या है सपोर्ट आईडी, तो support@instagram.it इतना टाइप कर दीजिए। सब्जेक्ट के अंदर टाइप कर दीजिए कि अकाउंट सस्पेंड विदाउट एनी वार्निंग एंड विदाउट एनी रीजन। ओके, नीचे मेल के अंदर आप उनको बता दीजिए कि माय अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड विदाउट एनी वार्निंग विदाउट एनी रीजन, इस टाइप से जो है टाइप कर दीजिए, देन उस मेल को सबमिट कर दीजिए। 24 आवर्स वेट कर लीजिए, इंस्टाग्राम आपका रिव्यू करेगा मेल का, देन जो है आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। अगर आप जो है उन्होंने कुछ गलती से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किया था तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। अगर आपने गलती की है तो भाई आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, रिटर्न नहीं मिलेगा। अब थर्ड के अंदर आपको जो है एक अपील करना होगा इंस्टाग्राम को। अगर ये दोनों ट्रिक वर्क नहीं करते हो तो थर्ड ट्रिक पर आपको इंस्टाग्राम को अपील करना है, एक फॉर्म फिलअप करना होगा। वो कैसे, उस फॉर्म का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही आप उस फॉर्म को ओपन करोगे तो कुछ बेसिक डिटेल आपको यहां पर देनी होगी, माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेट, डिसेबल या फिर सस्पेंड, तो यहां पर आपको नो टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर फुल नेम टाइप कर दीजिए, इंस्टाग्राम बायो पर जो फुल नेम था, या फिर आप अपना खुद का नेम भी एंटर कर सकते हैं, यहां पर कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं है। उसके बाद इंस्टाग्राम का यूजर नेम, जो अकाउंट सस्पेंड डीएक्टिवेट जो भी हुआ है उसका यूजर नेम डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस जो उसके साथ अटैच था वो ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर आपको जो है एंटर अ कंट्री नेम, यानी कि आपका कौन सा कंट्री है वो डाल देता है, तो हमें इंडिया डालना है, देन इसको सेंड पर क्लिक कर देना है। ओके, ये फॉर्म सबमिट आपका हो जाएगा, आपका अपील हो जाएगा। अगर ये भी वर्क नहीं करता है तो दोस्तों लास्ट ऑफ हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है ट्विटर। जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, भाई ट्विटर के ऊपर हर कोई हमारी बात सुनता है, वहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी हो, हमें रिप्लाई जरूर देता है। तो भाई ट्विटर को ओपन करो, यहां पर आपको एक ट्वीट करना है। ट्वीट कैसे करोगे, सबसे पहले तो हे टाइप करना है, देन इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम को @ करके मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको टाइप करना है कि माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी वार्निंग। इंस्टाग्राम का नीचे यूजर नेम टाइप कर दीजिए, देन उसके बाद जो है इसको डायरेक्ट ट्वीट कर दीजिए। ओके, थोड़ा सा वेट करिए, इंस्टाग्राम का आपको रिप्लाई आएगा, कुछ डिटेल के लिए भी बोल सकता है, तो वो सब आपको आगे की जो बातें रहेगी वो आपको फॉलो करनी होगी। ये थे दोस्तों 4 रीजन ये आपको परफेक्ट फॉलो करने हैं। उम्मीद रखिए आपका अकाउंट 4 में से कोई भी एक ट्रिक वर्क कर गई तो भाई आपका अकाउंट रिटर्न मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का ID आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।